बुजुर्गों का खौफ जहन्नम हजरत सैयदुना सुरूकुल उजूर रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये ताबेई बुजुर्ग गुजरे हैं। इतनी लंबी नमाज अदा फरमाते कि इनके पांव सूज जाया करते, और ये देखकर उनके घर वालों को उन पर बड़ा तरस आता और रोने लगते। एक दिन उनकी वालिदा ने कहा, मेरे बेटे तू अपने कमजोर जिस्म का ख्याल क्यों नहीं करता, इस पर इतनी मुशक्कत क्यों लादता है, तुझे इस पर जरा रहम नहीं आता, कुछ देर के लिए आराम कर लिया करो। क्या अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग सिर्फ तेरे लिए पैदा की है कि तेरे अलावा कोई और इसमें नहीं जाएगा? उन्होंने जवाबन अर्ज की, अम्मी जान, इंसान को हर हाल में मुजाहिदा करना चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन दो ही बातें होंगी, या तो मुझे बख्श दिया जाएगा या फिर मेरी पकड़ हो जाएगी। अगर मेरी मगफरत होगी तो महज अल्लाह का फजल और उसकी रहमत होगी, और अगर मैं पकड़ लिया गया तो ये उसका अदल होगा। लिहाजा अब मैं आराम नहीं करूंगा और अपने नफ्स को मारने की कोशिश करता रहूंगा। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने गिरिया उजारी शुरू कर दी, यानी जारों की तरह रोए। लोगों ने पूछा, आपने तो सारी उम्र मुजाहिदों और रियाजतों में गुजारी, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया, मुझसे ज्यादा किसको रोना चाहिए कि मैं 70 साल तक जिस दरवाजे को खटखटाता रहा हूं, अब वो खोलने जा रहा है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि जन्नत का दरवाजा खुलता है या जहन्नम का दरवाजा खुलता है। हजरत सैयदुना मिसवर बिन मखरमा रहमतुल्लाह ताला अलैह शिद्दत खौफ की वजह से कुरान करीम में कुछ सुनने पर कादिर न थे, यहां तक कि उनके सामने एक हरफ या कोई आए मुबारका पड़ी जाती तो चीख मारते और बेहोश हो जाते। फिर कई दिन तक उन्हें होश ना आता। एक दिन क़िबलाए खसअम के एक शख्स ने उनके सामने ये आए मुबारका तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا। तर्जमा, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हांकेंगे। ये सुनकर आपने फरमाया, आह, मैं मुजरिमों से में से हूं और मुत्तकी लोगों में से नहीं हूं, ऐ कारी दोबारा पढ़ो। उसने फिर पढ़ा, आपने एक चीख मारी और इसी हालत में आपकी वफात हो गई। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सर जमीने शाम की जानब जाने का इरादा फरमाया तो आप रोने लगे, उन्हें रोता देखकर उनके घर वाले भी रोने लगे। आपने इरशाद फरमाया, ना तो मैं मौत के डर से रो रहा हूं और ना तुम्हारी मोहब्बत के सबब, बल्कि मैं तो अल्लाह ताला के इस फरमान के सबब रो रहा हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया। तर्जमा, और तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोजख पर ना हो, तुम्हारे रब के जिम्मा करम पर है, जरूर ठहरी हुई बात है। मुझे यकीन है कि मेरा भी उससे गुजर होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि उससे गुजरने में कामयाब हो सकूंगा या नाकाम हो जाऊंगा। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन वहब फहरी रदियल्लाहु ताला अन्हु को 1,00,000 अहादीस मुबारक याद थी। आप पर खौफ इलाही का बड़ा गलबा था। एक दिन हमाम में तशरीफ ले गए तो किसी ने आयत मुबारक पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन यतहाज्जून फिन्नार। तर्जमा, और जब वो आग में बाहम झगड़ेंगे। जहन्नम का नाम सुनते ही आप बेहोश होकर गुस्ल खाने में गिर पड़े और बहुत देर के बाद होश आया। इसी तरह एक शगिर्द ने आपकी किताब में कयामत का वाकया पढ़ा तो आप खौफे इलाही की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े और लोग आपको उठाकर घर ले आए। जब भी आपको होश आता तो बदन में लर्जा तारी हो जाता,
और फिर बेहोश हो जाते और इसी हालत में आपका इंतकाल हो गया। अहबाब ज़िवकार असलाफ का खौफ खुदा इतना ज्यादा बड़ा हुआ था कि वो इतनी इतनी बड़ी इबादतों के बावजूद भी जहन्नम के नाम से थरथरा जाया करते थे, काम जाया करते थे। और आज अहबाब ज़िवकार हालत ये है कि अब नमाज तरावी में हमारी अपनी मस्जिद में दो से कम सफ़े होने जा रही हैं। अब हालत ये है कि नमाज फजर में हालत देखिए कि सिर्फ अंदर वाला हाल अब रह गया, बाकी सारे सगे सारे मजे की नींद सो रहे हैं, लेकिन असल मजा कयामत वाले दिन है जो आप इबादत और रियाजत कर रहे हो। बाकी अहबाब ज़िवकार सुकून इसी में है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। कितनी बड़ी सआदत है जो नमाज तरावी यहाँ पढ़ रहा है, हर सजदे के बदले एक दरख्त लग रहा है, हर सजदे के बदले एक शहर बन रहा है, कहाँ जन्नत में। और दरख्त कितना बड़ा, मैंने आपको एक हदीस मुबारक सुनाई थी, उसका साया इतना बड़ा है कि अगर घुड़सवार उस पर घोड़े पर सवार होने के बाद 500 साल तक उसके साये में चलता रहे तो उसका साया मुकम्मल नहीं होता। एक दरख्त इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए, हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।